दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। और आज आपके लिए हम यहाँ पे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का विशेष आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें कि MPGK के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये आपके सिर्फ MP जेल प्रहरी के लिए नहीं, आपकी जितने भी MP स्टेट से जुड़े एग्जाम हैं सभी एग्जाम्स के लिए आपकी वीडियो बेनिफिशियल है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, जितने भी वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं तो इसमें आपको डिटेल भी मिलने वाला है, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात जो कि सर्वाधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से संभाग का है? इंदौर, शहडोल, जबलपुर या उज्जैन? तो अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात की, किस संभाग का लिंगानुपात आपके सर्वाधिक है, यह संभाग है आपका शहडोल। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हम यहाँ पे बात करें डिटेल की, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है वह आपका शहडोल है, जबकि 2001 में जो कि आपके प्रथम स्थान पर रहने वाला जबलपुर संभाग जो कि आपके दूसरे स्थान पर अब है वर्तमान समय पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? शहडोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? इनमें से सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले इनमें से कौन से हैं? सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों की अगर हम बात करें यहाँ पे डाटा जो अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनगणना की, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर एंड आपके दतिया। यहाँ पे हम अगर इनका डाटा देखें तो भिंड का कितना है आपका, भिंड का जो लिंगानुपात है 837 एंड आपके मुरैना का लिंगानुपात कितना है 840, ग्वालियर का लिंगानुपात कितना है यहाँ पे 864 एंड दतिया का लिंगानुपात यहाँ पे कितना है 873। ठीक है, तो ये आपके हमने डाटा भी यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया। तो यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले भिंड, मुरैना, ग्वालियर एंड दतिया। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है जेल प्रहरी की, परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कूपन कोड यूज कीजिए GAUTAM040 जिसमें कि आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और ये सीमित समय के लिए, तो सभी लोग अभी से ले लीजिए क्योंकि अब एग्जाम की डेट आगे आपके नहीं बढ़ने वाली है। आपका एग्जाम जो डेट आपको अभी मिली है उसी डेट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है आपका वर्तमान समय में, ये हमारा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात वर्तमान समय में क्या है आपके, तो अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है आपका 1000 पे आपका 931। ठीक है, देखिए स्त्री पुरुष अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर आपके महिलाओं की संख्या और प्रदेश का जो यहाँ पे अगर हम बात करें अनुपात जो कि आपके 931, ठीक है 931 यहाँ पे यह अनुपात है, 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं, ये होता है आपका लिंग अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो कितना है आपका? अभी देखें बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सभी डाटा रहेगा आपका, तो इसका जनसंख्या घनत्व तो कितना है आपका मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व तो है आपके 236 वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार सभी डाटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। 2001 की अगर हम बात करें जनगणना के अनुसार तो यहाँ पे प्रीवियस भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा 196 वर्ग किलोमीटर आपका 2001 की जनगणना के अनुसार एंड 236 आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला यहाँ पे कौन सा है? तो यह जिला है आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है आपका सबसे बड़ा जिला है आपका यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर है, छिंदवाड़ा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि डिटेल्ड आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड होगा, 11815 वर्ग किलोमीटर, ठीक है वर्ग किलोमीटर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है आपका निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी जो है आपका सबसे छोटा जिला है, आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। ठीक है, निवाड़ी यहाँ पे सबसे छोटा जिला है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2011 की
यहाँ पे बात करें अगर 2011 की जनगणना के अनुसार होगा तब यहाँ पे आपका यहाँ पे निवाड़ी नहीं होगा, ठीक है। करंट पे अभी जो न्यू यहाँ पे जो बना है आपका जिला निवाड़ी, जो आपका जिला बना है, ठीक है, बामनवा, तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका निवाड़ी होगा, ठीक है। अगर निवाड़ी ऑप्शन में आपको मिलता है तो निवाड़ी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में पुरुष तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है, पुरुष तथा महिला साक्षरता का जो प्रतिशत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रतिशत है 78.73% जो कि आपका पुरुष का एंड 59.2% जो कि आपके महिला का, साक्षरता की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत की। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पे, यानी कि पुरुष और महिला का जो मिला के, तो यहाँ पे कितना है 69.32% है, और पुरुष का 78.73, महिला का 59.2%। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला यहाँ पे कौन सा है, सर्वाधिक साक्षर जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है। सभी डाटा यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताए जा रहे हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो है आपका कौन सा है, जबलपुर है, क्लियर है। जिसकी साक्षरता कितनी है 81.1%, इसकी साक्षरता 81.1%। अगला प्रश्न है, जबलपुर स्थित मदन महल किला का निर्माण किस शासक ने कराया, यहाँ पे जबलपुर स्थित मदन महल का किला का निर्माण यह कराया गया आपके राजा मदन शाह के, राजा मदन शाह के द्वारा कराया गया इस महल का निर्माण, ये आपके जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहली बार किस साड़ी का आपके पेटेंट कराया गया, वह कौन सी साड़ी है जिसका पेटेंट कराया गया। पेटेंट क्या होता है, अगर किसी भी वस्तु का यहाँ पे पेटेंट करा लिया जाता है तो उसका निर्माण कोई दूसरा यहाँ पे नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो मध्य प्रदेश में आपके पहली बार जो साड़ी का पेटेंट कराया गया वह आपके चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी का पेटेंट पहली बार कराया गया, ये आपके अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है आपका चंदेरी, चंदेरी स्थान है आपके यहाँ पे जहाँ पे आपके साड़ियों का जो निर्माण किया जाता है, और इसी से आपके यहाँ पे जो यहाँ पे पेटेंट कराया गया आपके पहली बार वो चंदेरी साड़ी का कराया गया। एंड आपके कांस्टेबल का भी यहाँ पे डेस्टेज उपलब्ध है, जैसे ही वैकेंसी आती है तो आप सभी यहाँ पे इसकी डेस्टेज भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी इनमें से कौन कौन से हैं आपके, सैयद जलालुद्दीन, लक्ष्मण शंकर, रूप सिंह, असलम शेर खां, शमीर दाद एंड उपयुक्त सभी। तो सभी ऑप्शंस को देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख हॉकी खिलाड़ी, ये सभी आपके हॉकी खिलाड़ी हैं, जैसे कि रूप सिंह हो गए, रूप सिंह आपके ग्वालियर में स्टेडियम भी है, ठीक है, तो ये सभी हॉकी खिलाड़ी आपके मध्य प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं आपके राज्यपाल के द्वारा, राज्य की विधानसभा के सत्र जो होते हैं उनके आदेश जो दिए जाते हैं वो आपके राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल आपके मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल हैं आपके। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसमें जिसे देश का 10वां और प्रदेश का प्रथम जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है, प्रदेश का प्रथम इंपॉर्टेंट है एंड देश का 10वां, यह है आपका पचमढ़ी, पचमढ़ी जो कि आपके होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, और यह आपका देश का 10वां और प्रदेश का प्रथम जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में आपकी निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार एंड सभी। तो मध्य प्रदेश स्टेट की बात की गई है और मध्य प्रदेश स्टेट में आपके ये सभी पुरस्कार दिए जाते हैं जो खेल से ही संबंधित हैं आपके, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान आपके कहाँ स्थित है, तो जनजाति शोध एवं विकास संस्थान जो स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, यह स्थित है आपका भोपाल में, क्लियर है, भोपाल में स्थित है आपका ये। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है, कौन से खिलाड़ी जिन्होंने नहीं खेला है आपके टेस्ट मैच आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी बात करें तो अभय खुराशिया यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने आपके भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला है, क्लियर है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास्ट वीडियो को देखिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी आपके, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, इसका राइट आंसर होगा आपका निर्मला बुच, निर्मला बुच जो थी आपके पहली महिला मुख्य सचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपका, सबसे पश्चिमी जिला, ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, सबसे
पश्चिमी जिला यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बुरहानपुर। ठीक है, ऑप्शन सी सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। उत्तरी में आपका मुरैना हो जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे पूर्वी में आपका सिंगरौली हो जाता है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु तो किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण के यहाँ पे चयन किया गया, किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण का चयन किया गया गिर के शेरों को रखे जाने हेतु तो? यह है आपका पालपुर कोनो, पालपुर कोनो अभ्यारण जो कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु तो यहाँ पे आपके राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का चयन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका। क्लियर है, अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहाँ स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका प्रदेश में कहाँ स्थित है आपका। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो जिलों की बात करें, हम प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है इसमें। ऑप्शंस जो आपके यहाँ पे एक बार बात करें तो यहाँ पे बुरहानपुर जो है आपका ये आपके दक्षिणतम जिले में आता है, ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम में जो आपका अलीराजपुर आता है, ठीक है, पश्चिम में आपका अलीराजपुर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उमरिया जिले में स्थित है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, 32 पहाड़ियों से घिरा यह आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका उमरिया, बी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस विद आपके डिटेल्ड भी इसमें बताया गया क्वेश्चंस का। तो इसी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही मिलती रहेगी। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।